अगर घर में सामान हो कम और खाने का मन करे एकदम चटपटा सा, तो सिर्फ 4 ब्रेड से पूरे परिवार के लिए एकदम नई सी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आपका दिन बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत बहुत नई रेसिपी है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस के ऊपर, और इसके अंदर डालेंगे हम लगभग 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, लगभग 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने हिसाब से तीखा एडजस्ट करें तो कम भी डाल सकते हैं, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा जिसको कद्दूकस कर लिया है मैंने, और साथ ही लगभग 2 से 3 लहसुन लिए हैं, लहसुन की कलियाँ, और इनको कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो लहसुन और अदरक को हटा भी सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से तेल में मिला लेंगे और हल्का सा भुनेंगे ताकि इनका कलर चेंज हो जाए और ये तेल में इनका बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाए। तो देख सकते हैं लहसुन अदरक और हरी मिर्ची अच्छी तरीके से सेक गई हैं। तो अब इसमें मैंने थोड़ी सी सब्जियां काट कर ली हैं, वो डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लगभग 1 प्याज, और उनको छोटा छोटा काट करके लिया है मैंने बारीक बारीक सा। 1 शिमला मिर्चें, और उनको भी बारीक काट करके लिया है मैंने। आधा टुकड़ा गाजर का, और इनको बारीक काट लिया है मैंने। आप इसमें पत्ता गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मटर वगैरह हो अगर तो वो भी डाल सकते हैं। चलिए सारी चीज़ों को हल्का सा हम भून कर लेंगे ताकि जो सब्जियाँ हैं हल्की सी क्रिस्प हो जाएँ और अच्छी तरीके से कुक हो जाएँ। तो इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भून करके लेंगे। थोड़ी देर में ये बढ़िया से कुक हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, तो ढकने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं अच्छे तरीके से सब्जियां क्रिस्प हो गई हैं और कुक भी हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है देख सकते हैं। तो चलिए अब थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और अब यहाँ पर डालेंगे मल्टीपर्पज़ मसाला। इसको डालने के बाद ना तो आपको पाव भाजी मसाला डालने की ज़रूरत है, ना सांभर मसाला, ना गरम मसाला, ना ही किचन किंग मसाला। सिर्फ 1 ही मसाले से किसी भी रेसिपी में बहुत ही गजब का स्वाद आता है। इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, जाकर जरूर से देखिए, रेसिपी बहुत काम की है। 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाल दिया है, और अब डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। और अब चलिए इन सारी चीज़ों को हल्की आंच पर हम भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं, इसलिए धीमी आंच पर मिलाना है हमें, और कुछ सेकंड्स के लिए इनको हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब मसाले अच्छे से सिक गए हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको अच्छे से उबाल कर बढ़िया से मैश कर लिया है। अब ये पूरा आलू हम इसमें डालेंगे, आप चाहें तो आलू के साथ पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आलू डालने के बाद हम डालेंगे इसमें ढेर सारे बारीक कटे धनिए के पत्ते, और अब चलिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे इस मसाले को आलू के साथ में, और इनको हम लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते जाएंगे। आलू को भी हमें पूरी तरीके से सेकना है, इसलिए इनको मिलाने के बाद भी थोड़ी देर हम भुनेंगे ताकि आलू बढ़िया से क्रिस्प हो जाएँ। क्रिस्प किए हुए आलू का मज़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने इनको मिला लिया है और थोड़ी देर भून भी लिया है, ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी हैं। आप इनसे अगर पराठे भी बनाएंगे ना तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए इस मसाले को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं प्लेटफॉर्म पे, और अब मैंने यहाँ पर लिया है 4 ब्रेड। सिर्फ और सिर्फ इस 4 ब्रेड से आप अपने पूरे परिवार के लिए रेसिपी बना सकते हैं, ना तो आपको ब्रेड बेलने की ज़रूरत है और ना ही स्टफ़ करने की, बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड यानी आटा ब्रेड लिया है, आप मैदे वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल लेंगे, और उसमें हम ये चारों ब्रेड को इस तरीके से रफली इस तरीके से तोड़ लेंगे। इनके जो साइड्स हैं आप चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन हम साइड्स के साथ ही इनको तोड़ लेंगे और इस बोल में डालेंगे। बड़ी मिक्सिंग बोल इसलिए ली है क्योंकि सारा मिक्सचर हम इसी में बनाएंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से तोड़ने के बाद इनको अब हम गीला करने के लिए या तो पानी का इस्तेमाल करेंगे या फिर दूध का। तो मैंने यहाँ पर लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच दूध लिया है, आप पानी भी ले सकते हैं। ये देखें, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा, लगभग नाप करके अगर 4 चम्मच ले रहे हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से ये मिक्सचर तैयार होगा। अब क्या करेंगे, हाथों की मदद से इनको हल्का हल्का इसके अंदर हम डिप कर लेंगे ताकि जो दूध है वो पूरे ब्रेड में लग जाए और एकदम सॉफ्ट से हो जाए। और इनको अब हाथों से इस तरीके से रगड़ते हुए मैश करेंगे ताकि जो ब्रेड है एकदम गुथे हुए आटे की तरह इसका टेक्सचर हो जाए। यहाँ पर आपको एक और सीक्रेट बताऊँ, आप यहाँ पर ब्रेड के बजाय रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर रोटी बच जाए रात की या फिर दिन की, तो आप उसको तोड़ करके मिक्सी में चर्न कर लें और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा दूध डालकर एकदम इस तरीके का मिक्सचर बना लें। देख रहे हैं, मिक्सचर बढ़िया से मिल गया है ना। तो मिक्सचर हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है, देख सकते हैं इसी तरीके का हमें इसको बना करके तैयार करना है, बिल्कुल गूथे हुए आटे की तरह, ना ज़्यादा चिपचिपा और ना ही ज़्यादा हार्ड। तो चलिए अब ये मिल ही गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा आलू का ये चटपटा सा मसाला। तो ये पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे, और ध्यान रहे ठंडा होने के बाद ही डालना है। और अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए मैं डाल रही हूँ मैदा।
तो लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच हम इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो इसमें बेसन ले सकते हैं, इसकी जगह पर चावल का आटा ले सकते हैं, या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर जो पसंद है आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें अलग से मैदा डाला है और ब्रेड भी है, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से डाल देंगे। और अब यहाँ पर डालेंगे ऑरेगानो, जो पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं ना ये, तो 1 टीस्पून लिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसका टेस्ट बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। और अब डालेंगे एक चीज़ का क्यूब, तो यहाँ पर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ये नॉर्मल चीज़ लिया है, या फिर आप चीज़ के बिना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ी टेस्ट देने के लिए मैंने एक छोटा सा क्यूब डाल दिया है इसके अंदर। और अब बिना पानी डाले ये पूरा मिक्सचर हम अच्छी तरीके से आलूओं के साथ मिक्स करेंगे। आप देखेंगे ये पूरा मिक्सचर एकदम गूथे हुए आटे की तरह हो जाएगा, उतना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पानी का इस्तेमाल तो भूल के भी मत कीजिएगा। बस इनको इसी तरीके से मिलाइएगा, एकदम आसानी से मिल जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ और मिलाने की। ये चटपटा सा हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। और आज मैं आपको एक बहुत ही खास ट्रिक दूंगी जिससे कि आप इस नाश्ते को लगभग 1 सप्ताह तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनको अच्छे तरीके से गूथ लिया है। अब क्या करेंगे, हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अब इनके छोटे छोटे से हम फिंगर रोल्स इस तरीके से बना लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे नगेट्स भी बना सकते हैं, या फिर इन रोल्स को मोटा भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े पतले पतले रखे हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो आप अपने हिसाब से इनको साइज कर सकते हैं। सारे मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब इनको 1 सप्ताह कैसे स्टोर करना है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ मैंने सारे रोल्स इस तरीके से बना करके तैयार कर लिए हैं, देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ना। तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लरी बनाएंगे। उसके लिए एक छोटी सी कटोरी ली है मैंने, इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे लगभग 4 बड़ा चम्मच पानी, थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे। और अब इस स्लरी को हम घोलेंगे, तो गुठलियाँ ना रहे इसलिए धीरे धीरे मिलाएं और अच्छी तरीके से एकदम पतला सा घोल हमें तैयार करना है। ध्यान रहे घोल एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ये देखिए एकदम पतला सा हमें घोल तैयार करना है ताकि हम इस रोल को गीला कर सकें, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इन रोल्स को उठाएंगे और इन स्लरी में हल्का सा डिप कर लेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल भी कोट नहीं हो रहा है ये स्लरी। और अब इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर, तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आपके पास अगर ना हो तो आप क्या करें, ब्रेड को ही या फिर उनके किनारों को पीस करके ले सकते हैं और उनको हल्का सा रोस्ट कर ले, और एकदम क्रिस्पी सा आपके पास ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। तो ये ब्रेड क्रम्स के ऊपर हम इनको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप सूजी भी ले सकते हैं, और ये देखें एकदम बढ़िया लग रही है ना। तो चलिए अब सारे तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। ये लीजिए हमने सारे इस तरीके से रोल्स को अच्छी तरीके से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स के ऊपर, बढ़िया से तैयार हो गया है। तो अब चलिए इनको स्टोर कर लेते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए आप इस तरीके की स्टील के बर्तन ले सकते हैं, या फिर आप जिपलॉक बैग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक की भी बोल ले सकते हैं। तो यहाँ अगर स्टील या प्लास्टिक की बोल ले रहे हैं तो एक टिश्यू पेपर इस तरीके से ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि जो नमी है ना वो ना बने, या फिर नमी बने तो अच्छे तरीके से टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर ले। और अब इसके अंदर ये छोटे छोटे रोल्स जो हमने कोट करके तैयार किए हैं इनको हम इसके अंदर भर लेंगे, और फिर हम इनको अच्छे तरीके से कवर करके फ्रिज में लगभग 1 सप्ताह तक आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो फटाफट से आप इनको निकालिए और कुक कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम रख लेते हैं फ्रिज में या फ्रीजर में, दोनों जगह आप रख सकते हैं, है ना बहुत ही यूज़फुल। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और बचे हुए हमारे रोल्स को हम फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, तेल हमने मीडियम हीट पे गरम किया है, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं है। और अब एक एक करके ये सारे रोल्स हम तेल में डाल देंगे, जितना एक बार आ जाए उतना डाल लें। और बस जैसे ही एक साइड सिक जाते हैं इनको हल्का सा हम टर्न करके एकदम बढ़िया से गोल्डन और क्रिस्प होने तक इनको फ्राई करेंगे। आप इनको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं, इनको इतना गोल्डन और क्रिस्प करना है, देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। हमेशा जब भी ब्रेड रोल बनाते हैं तो उसके लिए ब्रेड को बेलना पड़ता है, पानी से भिगोना पड़ता है। और ये ब्रेड रोल बनाने के लिए आप बहुत ही आसानी से कम चीज़ों में बनकर तैयार होती है, ये सारे स्टेप्स आपको बिल्कुल नहीं करने होते हैं, बस फटाफट से ये रेसिपी तैयार होती है। और आप इनको एक बार में बना करके ढेर सारे स्टोर भी कर सकते हैं, जब खाने का मन करे चटपटा सा आप इसको तुरंत तुरंत फ्राई करें और गर्मा गर्म परोसे, देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो लीजिए तैयार है एकदम गर्मा गर्म मज़ेदार एकदम क्रिस्पी से ब्रेड रोल्स। आप देख सकते हैं बाहर से कितने क्रिस्प लग रहे हैं, अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बने हैं। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको मन करेगा कि पूरा अकेले ही खा जाए, किसी भी चटनी या मेयोनेज़ के साथ आप इन्हें इंजॉय कीजिए। ब्रेड की और भी नई नई रेसिपीज़ के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास हर दिन एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।